टाइम ये देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सनी थोड़ा सा। कौन कौन बोला, कौन कौन बोला मेरे साथ, कौन कौन बोला कमेंट जरूर करना। सो आज हम जा रहे हैं ये करने, ये मेरा ये जो टैटू है ना उसको मैं अपडेट करवा रहा हूँ। सो मेरे इस टैटू को मैं अपडेट करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम से ये ऐसे कैसा पड़ा है और बहुत सिंपल टैटू था। मेरे को टैटू का बिल्कुल भी शौक नहीं है। एक दोस्त को टैटू करवाते देख मुझे थोड़ा चस्का लग गया था और उस टाइम पे मैंने ये बनवा लिया था। बहुत सिंपल है, आधे लोग तो इसको कैमरा समझते भी नहीं है और इसको बोलते वॉशिंग मशीन है ये। तो मैंने सोचा कि अभी मैं अपने गणेश भाई है जो मैंने हेयर कलर करवाया था, वो टैटू आर्टिस्ट भी है और हेयर सलून भी उनका, और दो तीन और काम है। देखते हैं फ्लो में जाते हैं इस व्लॉग में, मजा आएगा। मजा तो आता ही हमारे व्लॉग में। ठीक है चलते बॉब, बाय 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 बोल रहा हूँ। बाय, सो जा सो जा सो जा सो जा बेटा सो जा। मैं बाय बोल रहा हूँ, बाय बोल रहा हूँ। बॉब के भी 10K होने वाले हैं, इसके भी 10K होने वाला है इंस्टाग्राम पे। ब्रो यू आर इन्फ्लुएंसर मैन, नाउ यू आर इन्फ्लुएंसर। कोलैब्स एंड वो वगैरह वगैरह आएंगे तो सब मैं लूंगा। तेरा तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ, क्योंकि तेरे पे बहुत खर्चा किया है बेटा मैंने, तो मैं सब लूंगा। तेरे कोलैब वोलैब कुछ भी आएगा ना, पेड प्रमोशन, वो सब पैसा मैं लूंगा, है ना। नहीं सो रिसेंटली वाओ स्किन साइंस ने न्यू हेयर ऑयल लॉन्च किया है जिसमें से मैंने दो वेरियंट्स मंगाए। एक है कूल मिंट हेयर ऑयल विद कॉम एप्लीकेटर एंड दूसरा है कूल मिंट हेयर ऑयल पंप। ये दोनों हेयर ऑयल अभी समर में आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आपका बॉडी एंड माइंड दोनों ही बहुत रिलैक्स फील करेगा इसे यूज करने के बाद। इस हेयर ऑयल में कूलिंग इन्फ्यूजन है, पेपर मिंट ऑयल एंड मेंथोल क्रिस्टल की जो सूट करते हैं, इरिटेटेड स्कैल्प को फ्रेशनेस एंड रिस्टोर करते हैं और आपको एक सूथिंग एंड कूलिंग सेंसेशन फील होती है। इस कूल मिंट हेयर ऑयल में ब्लेंड है हेयर नर्सिंग एंड कूल प्रेस्ड ऑयल्स का, जैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, मोरेगन आर्गन ऑयल, कैप्चर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, जो रिच होते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स में, विटामिन ई में, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स में। ये न्यूट्रिएंट्स ऑयल के थ्रू डिलीवर होते हैं डायरेक्टली रूट्स में एंड स्कैल्प में एंड प्रोटेक्ट करते हैं वीक, डल, लिम्प हेयर को एंड बैलेंस करते हैं, ग्रेसी स्कैल्प को एंड शाइन रिस्टोर करते हैं। ये एक लाइटवेट ऑयल है जो स्कैल्प में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। इसको आप ये कॉम एप्लीकेटर की हेल्प से अपने हेयर रूट्स तक इजीली लगा सकते हो एंड ये स्टिकी नहीं है और इजीली ऑब्जॉर्ब हो जाता है। इस कूल मिंट हेयर ऑयल में 99.9% नेचुरल इंग्रेडिएंट है और ये ऑयल ऑल हेयर टाइप्स के लिए है एंड स्पेशली सूटेड है ऑयली, इरिटेटेड, ड्राइड स्कैल्प, वीक रूट्स, डल हेयर के लिए। और हाँ, वाओ स्किन साइंस के सारे प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम हार्श केमिकल है, नो सल्फेट, नो पैराबेन एंड नो सिलिकॉन। सो आपको भी अभी ये ऑर्डर करना है, देन लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जल्दी से उस पे क्लिक कीजिए और ऑर्डर कीजिए और मजे कीजिए। चलो अभी चलते हैं फटाफट से। अभी मैं एक नेचर पार्क में आया हूँ एक विजिट के लिए, मुझे यहाँ पे व्लॉग बनाना है। यहाँ पे बहुत ही सारे बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स है, हॉर्स है, मैं नेक्स्ट व्लॉग इसका लाने वाला हूँ इसके। तो यहाँ पे इसके बाद हम जाने वाले टैटू के लिए, बहुत लेट हो गया है। ये भाई जॉब पे से आया टैटू के लिए और टाइम चला गया इधर ही। नेक्स्ट व्लॉग ये नेचर पार्क का आने वाला है, बहुत ज़बरदस्त है, मज़ा आएगा। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पे गणेश भाई की शॉप पे। ये देखो बैकग्राउंड में दिख रही है, कहाँ है भाई, इधर है, यहाँ पे उनकी शॉप। और बहुत लेट हो गया क्योंकि वो नेचर पार्क में गया था विजिट करने, वहाँ पे मुझे विजिट करने बुलाया था। प्यारे प्यारे बर्ड्स और एनिमल्स जो आपको पता ही है मेरे को कितना पसंद है एनिमल्स वगैरह, तो मैं वहाँ पे जाके व्लॉग करने वाला हूँ। तो अभी हम चलते हैं टैटू बनाने, चलो। तो यहाँ पे हम आ गए गणेश भाई के सैलून प्लस टैटू स्टूडियो। वहाँ पे सैलून है, एक पार्टीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सैलून में है ना, वो गणेश भाई के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसको मिलाना चाहते हैं हम। बहुत मतलब वो नेक्स्ट लेवल है, मतलब ऐसा ही लगेगा आपको वो जुरासिक वर्ल्ड से। अच्छा अच्छा भाई, ये देखो इसका नाम लीजा है, लीजा। इसका नाम क्या है? मैक्स। और उसका बनी। क्या? बनी। और ये सबका तो बाकी है ना नाम रखना, बहुत सारे हैं।
क्या है इसका नाम? राजेश। क्या है? राजेश। राजेश। हेलो। इसका नाम राजेश रख दिया अपन ने, बराबर। अभी इधर इधर उसको ले गया। इसका नाम राजेश है, बराबर। अभी इसको अंदर छोड़, इधर छोड़, अंदर छोड़ना एक बार, छोड़ दिया। अभी ये सब में से राजेश कौन है? ये कौन है? ये राजू नहीं है, राजू। राजू और इसका नाम राजू। सबको बोलो कि ये सब आपको जितने भी खतरनाक दिख रहे उतने ही प्यारे हैं ना। आपको ये सब खतरनाक दिखे तो भी प्यारे दिखे। हेलो गाइस, ये रखो मारा मैं बोल। हेलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सरी। नहीं, आप अपना बोलो ना। देख, मेरा नाम है सरी थोड़ा सा पनी। आपका क्या नाम है? राजवीर। बोल, मेरा नाम है राजवीर थोड़ा सा। मेरा नाम है राजवीर। मैं खाने में खाता हूँ खीर। सबसे अच्छा कौन सा लगता है? आपके बच्चे, मैक्स के बच्चे। हाँ। ये मेरा इंगवाना है। हाँ? मेरे पे चढ़ रहा है। चढ़ जाओ ऊपर, चढ़ जाओ पूरा। मैं आपको मेरी न्यू हेयर स्टाइल दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। मेरी तरह रखो, मेरी तरह। भावसानी नहीं, अरे भाई इसने मेरा नाम ही बदल दिया। सनी भावसानी, सनी भावसार। सनी भावसानी के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लव यू, बाय बाय। I love you, bye bye. सैला, माय न्यू हेयर स्टाइल। ओम बाबा शनेश्वर महाराज। चलो तो अभी हम टैटू बनवा लेते हैं। ये भाई को ले लो, यहाँ से ले लो ये भाई को। हाँ, ये है वॉशिंग मशीन। तो फाइनली ये भी टैटू गिराने वाला है इधर। खींचा खींच मत करे, ओ इतनी वो खतरनाक आ गए थे यार, है ना। नाक तो इतना खतरनाक आ गया। अभी कुछ भी डाल देते ये बच्चे लोग, देखो। हम छोटे थे तो क्या खेलते थे, क्या हमारे पास खिलौने वो सब रहते थे। ये लोग इससे खेल रहे, वो देखो, सब पर्सनल लेके बैठे। बोलो अपना। क्या हो रहा है? कहा गया वो? किधर गया? बहुत खतरा है यहाँ पे। एक तो ये दुख रहा है और ये लोग ये सब फेंक रहे मेरे ऊपर। हमना यहाँ पे दुख रहा है मेरे को। फूल रहा है और ये सब ये लोग मेरे पे फेंक रहे। यार आदत गिरनी चाहिए तुमको तो। हाँ, दूसरी बार है, कहीं तीसरी बार नहीं है कि आदत गिरनी चाहिए। ये देखो भाई, कुछ भी हो रहा है, झूला हो रहा है यहाँ पे। क्या भाई, तुम्हारा घर बार है ये? नहीं हो नहीं। हमको तो ऐसा ही पसंद है भाई। वो बोल दे तो दर्द हो रहा है यहाँ पे। हड्डी है ना मेरी, इसलिए थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है। आप टेंशन मत लो, आप आओगे ना तो ये सब आपके ऊपर नहीं डालेंगे। ये तो हमको चलता है, इसलिए अभी वॉशिंग मशीन है। बनने के बाद देखो, जैसे सनी मल्टी टैलेंटेड है, ओ भाई एक मिनट, जैसे ही सनी मल्टी टैलेंटेड है वैसे ही गणेश भाई भी मल्टी टैलेंटेड है। अरे यार ये क्या बोले, ये चोटला बुबला लगला है।
ये देवा ये बाबा रे ये कहा स्ट्रगल कर रहे हैं चलो पहुंच गया दबानी खुला ही है ये देखो कैमरा को प्रॉपर लाइनिंग मिल गया अच्छा पीछे मेकओवर चल रहा था इसका हेड रहा है मार रहा है कुछ फेस वॉश लगा रहा है क्या कर रहा है दुख रहा है तेरे को भी दुखेगा किसी को नहीं छोड़ेगा गणेश भाई तेरा तो पहली पहली बार है दुखेगा यहाँ पे डायरेक्ट नसों पे जाता है इसलिए अपना कैमरा बन रहा है अच्छा खासा कंप्लीट हो चुका है टैटू अच्छा खासा रेडी हो चुका है टैटू फिनिशिंग तो ये देखो अपना कैमरा रेडी हो चुका है और अभी कलर का थोड़ा शेड दे रहे हैं अंदर रेड कलर सो फाइनली हमारा टैटू रेडी हो चुका है मतलब बहुत ही लोकल लुक आ रहा था जिस कैमरे का मेरा अब एकदम प्रीमियम लुक हो गया है सुबह से यार बहुत टाइम चला गया क्योंकि पहले हम गए नेचर पार्क में विजिट के लिए फिर यहाँ आए तो बहुत टाइम चला गया हालत भी देखो कैसी हो गई है देखो मैं आपको टैटू दिखा रहा हूँ ये देखो कितना ऑसम लग रहा है अभी तो कमेंट बॉक्स में बताओ आप सबको कैसा लगा ये अब मेरा अपडेटेड टैटू वॉशिंग मशीन से कैमरा वाला टैटू और हाँ साथ ही साथ इगुआना आपको अगर परचेस करना हो तो यहाँ पे इगुआना भी सेलिंग होते हैं वो कैसे बड़े होने के बाद कैसे दिखते हैं छोटे कैसे होते हैं वो दोनों आपको इधर दिखने को मिल जाएंगे ये देखो छोटा वाला तो आ गया है दो एक इसके हाथ में भी और एक खुद भी एक इगुआना ही है तो बस जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो उनको DM कर देना इंस्टाग्राम पे उनको लगेगा जेन्युइन कोई कस्टमर है तो वो रिप्लाई देंगे और नंबर शेयर करेंगे ठीक है मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और टैटू कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बाय बाय बोल दो बाय बाय सब बाय हेलो सनी भावसार नहीं है बाय बाय